तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन रेलवे द्वारा दिए गए क्वार्टर जो कि रेलवे कर्मचारियों को दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम हर एक बंदे के यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के क्वार्टर नहीं कवर करेंगे। हम सिर्फ कवर करेंगे ग्रुप डी के सेक्शन वालों को जो रेलवे क्वार्टर रेलवे द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि रेलवे क्वार्टर में हमें कैसी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा हम पूरा रिव्यू करेंगे और मैं भी आपको दिखाऊंगा ग्रुप डी के सेक्शन वाले लोगों को कैसा क्वार्टर दिया जाता है रेलवे द्वारा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ग्रुप डी के सेक्शन वालों को कैसा रेलवे द्वारा क्वार्टर दिया जाता है। भाई, कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें ग्रुप डी सेक्शन वालों का रेलवे क्वार्टर। अभी हम अंदर भी चलेंगे और आपको अंदर से भी दिखाऊंगा इस रेलवे क्वार्टर का व्यू। तो फिलहाल आप बाहर से देखिए थोड़ा। इधर से आप अभी अच्छे से देख पाओगे। इस रेलवे स्टेशन का गाइस जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से है सामने। आपको मतलब कि मेन एंट्रेंस वहाँ से आप रेलवे स्टेशन में एंटर हो सकते हो। मेन एंट्रेंस वहाँ से है और वहाँ से ही आप टिकट वगैरह ले सकते हो। और इस तरफ से भी आप अगर जाना चाहो तो इस तरफ से भी आप जा सकते हो, लेकिन टिकट वगैरह हमें वहाँ से मिलती है उस रेलवे स्टेशन से। हम इस रेलवे स्टेशन पे मेन एंट्रेंस कर सकते हैं और यहाँ से अगर जाना हो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन टिकट के लिए हमें वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। और इस तरफ जैसे ही आप देखोगे इस तरफ है रेलवे क्वार्टर, और दूर तक आप देखोगे ये जो लाइन है पूरी रेलवे क्वार्टर से भरी हुई है। ये जो पूरी लाइन है, ये जो रास्ता जाता है ये मार्केट की तरफ निकल जाता है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें रेलवे क्वार्टर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस क्वार्टर के अंदर। अभी ये बाहर में कुर्सी पे बैठा था और क्योंकि सुबह का समय है और 6:30 बज रहे हैं और इसीलिए मैं बाहर बैठा था। और इस तरफ यहाँ से आप देख सकते हो इस क्वार्टर का व्यू, और दूसरी तरफ भी आपको क्वार्टर देखने को मिल रहा होगा। और ये जो बिचाले स्पेस दे रखी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, ये जगह खाली छोड़ रखी है और पेड़ पौधे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और दूसरी तरफ गाइस आप देख सकते हो इस तरफ हमने सब्जी वगैरह बेच रखी है, और ये इस तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ भी आपको रेलवे क्वार्टर देखने को मिल रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने जो क्वार्टर का नंबर है वो है E5। तो कुछ ऐसा व्यू हमें बाहर से इस क्वार्टर का देखने को मिलता है। हालांकि हर एक बंदे का जो क्वार्टर है वो ऐसा नहीं होता, अलग अलग हिसाब से क्वार्टर दिए जाते हैं। जैसे ये जो इतनी स्पेस दे रखी है, कई क्वार्टर्स जो होते हैं वो साथ जुड़े होते हैं, बिल्कुल साथ साथ होते हैं, लेकिन ये जो क्वार्टर्स हैं इनमें बहुत स्पेस दे रखी है। और सामने आपको माल गोदाम यहाँ से देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हो ये जो क्वार्टर है कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो गाइज ये है अपना क्वार्टर, और अभी मैंने आपको सारा बाहर से दिखा दिया व्यू, और अभी हम चलेंगे इस क्वार्टर के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वार्टर के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस जैसे ही आप इस क्वार्टर के अंदर आओगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे बेड बिछा हुआ है सामने, चेयर्स वगैरह, और उसके साथ ही पढ़ने के लिए टेबल लगा हुआ है, और उसके साथ ही गिटार पड़ा है मेरा, और ये मेरा छोटा भाई है जो कि अभी टीवी देख रहा है,
और कुछ ऐसा देखने को मिलता है। हालांकि ये जो कमरा है ये नॉर्मल कमरे से बड़ा है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा है ये। और ऊपर आप देख पा रहे होगे, ऊपर जैसे हम कह देते हैं हमारी ज़रूरत का सामान और बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है उन सामान की, तो वो अलग से साइड में रख रखा है, बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत पड़ती है उनकी। और कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें रेलवे क्वार्टर, और यहाँ पे खिड़की दी हुई है, इसके सामने भी एक खिड़की दे रखी है। और ये पर्दे वगैरह यहाँ से भी हम आए थे, तो ये बेड बिछा हुआ है। बाकी आप देख लीजिए सारा व्यू, और गाइस ऊपर रोशनदान दे रखा है और यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। और इस तरफ आपको दिखाऊँ मैं, इस तरफ बल्ब और नीचे एक सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई है, तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्लगिंग का सिस्टम है, ये अभी टीवी का बटन और फैन का बटन होना है, और ये तार जा रही है टीवी की। तो चलिए तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। और जैसे ही आप इस कमरे से बाहर आओगे, अभी हम बरांडे में आ गए, और यहाँ पे बाइक खड़ी है, साइकिल, दो साइकिल यहाँ पे खड़ी है, वो अलग से सामान पड़ा है, और ये अपना कूलर लगा हुआ है, और साथ में कैंपर रखा हुआ है पानी के लिए, और इस तरफ शीशा लगा हुआ है। और एक बात और, ये जो कमरा है वो इस वाले कमरे से छोटा कमरा है, हालांकि ये भी जैसे नॉर्मल कमरे होते हैं वैसा ही है, लेकिन अभी बंद पड़ा है, मेरे पास इसकी चाबी नहीं है, लेकिन ये जो रूम है इससे छोटा है। और इस तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं, और इधर से हम बाद में कवर करेंगे, पहले मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये अपना किचन, तो गाइस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें रेलवे क्वार्टर में। हालांकि ये खुद पे डिपेंड करता है भी हम किस हिसाब से क्वार्टर को रखते हैं, किस हिसाब से वहाँ पे साफ़ सफाई रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिन क्वार्टर्स में फैमिली वगैरह रहती है तो वहाँ पे साफ़ सफाई तो रहनी ही है, और जिन क्वार्टर्स में सिंगल पर्सन रह रहा है तो वहाँ पे साफ़ सफाई की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि काम भी करना और अपना घर का भी देखना ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन ये जो घर है मेरे चाचा जी का है वो अभी यहाँ पे नहीं है और कई गए हुए हैं, और इसीलिए आज मैं यहाँ पे रुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको रेलवे क्वार्टर का टूर करवा दूँ। तो जैसा कि आप गाइस देख सकते हो सामने खिड़की लगी हुई है, और यहाँ पे बर्तन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, नीचे वॉश बेसिन लगा हुआ है, ये स्विच दे रखी है, ठीक है। ये जो प्लग लगा हुआ है ये हमने कूलर का अटैच कर रखा है, क्योंकि जो प्लग है वो इन्वर्टर पे है, बाय चांस अभी कभी लाइट चली जाए तो दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए ये जो प्लग है ये इन्वर्टर पे नहीं है, यहाँ का जो बल्ब है ये इन्वर्टर पे करवा रखा है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें रेलवे क्वार्टर। यहाँ से ही मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ गेट का, तो गाइस कुछ ऐसा हमें रेलवे क्वार्टर देखने को मिलता है। हालांकि ये जो क्वार्टर है ये और क्वार्टर से थोड़ा अलग हो सकता है, शायद आप जिस क्वार्टर में गए हो वैसा क्वार्टर ये ना हो, वैसा कुछ ना बना हो, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अलग अलग हिसाब से बने होते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप अगला क्वार्टर देखोगे, उसके अगला क्वार्टर देखोगे, ये जो लाइन पूरी है ये एक ही तरीके से सारे क्वार्टर बने हुए हैं। अगर आप अदर स्टेट से हो वहाँ पर क्वार्टर और तरीके से बने हो सकते हैं। और चलिए अभी थोड़ा सा आपको बाहर और लेके चलता हूँ। तो गाइज ये है थोड़ा बाहर से व्यू, अभी यहाँ पे सामान रखा हुआ है, और इधर से भी ये गेट जाता है, हालांकि हम इसे यूज़ नहीं करते, ये बंद पड़ा रहता है, इसका इतना यूज़ नहीं है। और इस तरफ आप देख सकते हो सामान वगैरह रखा हुआ है रेलवे का, और ये पुरानी टंकी पड़ी है, नई लगवाई थी अभी, और चूल्हा, टावल, और बीच में तुलसी लगा रखी है हमने, और वॉश बेसिन आपको दिखा देता हूँ। ये पाइप हमने रखी हुई है अलग से, क्योंकि मैंने बगीचा दिखाया था तो वहाँ पे पानी देने के लिए ये जो पाइप है वहाँ तक हम ले जाते हैं और पानी वगैरह दे देते हैं, वॉश बेसिन हो गया। तो ये गाइस आप बाथरूम दे सकते हो, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। और इस तरफ है टॉयलेट, तो इधर से ही मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ से हमें देखने में कैसा लगता है ये क्वार्टर। ये जो दीवार आप देख रहे हो सामने ये अभी बनाई है, इससे पहले ये दोनों साइड खुला था,
यहाँ पे दीवार बना देने के बाद हमारी बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह अलग से साइड में खड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये है अपना इंडियन रेलवे का क्वार्टर। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों को ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में पता चला होगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।